सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसे अपडेट बताने वाला हूँ जो अपडेट बहुत ही अच्छे हैं और जो शॉर्ट क्रिएटर है उन लोगों के लिए बहुत ही वरदानदायक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अपडेट है। तो उसके अंदर सबसे पहला अपडेट आपको बताऊँ, उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला अपडेट है कि जो YouTube शॉर्ट देता था वो शॉर्ट ख़त्म होने वाला है। मतलब $100 मिलियन का जो शॉर्ट फंड मिलने वाला था वो शायद ख़त्म होने वाला है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है अभी तक। तो वो ख़त्म होने से आपको ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट वीडियो डालना बंद कर दीजिए, शुरू रखिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो का जो फंड है वो बढ़ने वाला है और भी अभी एक साल तक आप लोगों को मिलने वाला है। तो जो लोग भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनको अभी भी चांस है शॉर्ट फंड मिलने का। ठीक है, तो ये सबसे पहला अपडेट है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। शॉर्ट के जो क्रिएटर है वो बढ़ते जाते हैं, तो उस वजह से यूट्यूब ने कुछ ऐसा सोचा है कि ये फंड जैसे ही ख़त्म होता है दूसरा फंड अनाउंस हो जाएगा। तो सर्च बार में हमें शॉर्ट के अंदर कोई भी फिल्टर नहीं मिलता था, तो अब क्या होगा, जब आप कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो वो आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको फुल वीडियो देखना है या शॉर्ट वीडियो देखना है, मतलब कि लंबी वीडियो देखना है या शॉर्ट वीडियो देखना है। अगर आप शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी शॉर्ट वीडियो आएगी, और अगर आप लंबी वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप फुल वॉच कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर ऐड कर दिया गया है सर्च के अंदर। सर्च रिजल्ट में आप जो अगर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं, और उसके अंदर भी आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट वीडियो देखना है या फिर लॉन्ग वीडियो देखना है। ठीक है, तो ये एक दूसरा अपडेट था। तीसरा एक अपडेट ये आया है कि जो जब हम YouTube का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो का शॉर्ट का जो एक सेक्शन बना हुआ होता है वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सारे शॉर्ट वीडियो ही आपको दिखते हैं। जो वीडियो के अंदर हमने हैशटैग शॉर्ट लगाया है वो सभी वीडियो वहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो उसी तरह से पॉडकास्ट का जो एक सेक्शन आने वाला है वो इसी तरह से एक मिक्स हो जाएगा यहाँ पर, और पॉडकास्ट का भी एक अलग से सेक्शन आएगा ताकि आप जो भी वीडियो देखें पॉडकास्ट वाली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर सारे पॉडकास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। हालाँकि अभी तक हमारे इंडिया के अंदर ये अपडेट नहीं आया है, ये अपडेट US के अंदर आ चुका है, वहाँ पर पॉडकास्ट का एक अलग सेक्शन मिल गया है और हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे लॉन्च हो जाएगा। इसके बारे में मनोज डे ने बोला था, एक वीडियो बनाया था कि तबाही मचा दूंगा, और वो कहते थे कि मेरे कहने से ये पॉडकास्ट वाला सेक्शन अलग करने वाले हैं। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, और उनके विरुद्ध में भी एक आदमी ने वीडियो बनाया है, वो दोनों वीडियो मैंने वहाँ पर मिक्स करके बनाया है, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब भी आप शॉर्ट वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर एक वाटरमार्क आएगा। ठीक है, जब आप टिकटॉक के बारे में अगर जानते हैं तो टिकटॉक का वीडियो अगर आप डाउनलोड करते थे तो टिकटॉक का एक लोगो आता था वहाँ पर, या शॉर्ट वीडियो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा, वो शायद शॉर्ट का लोगो भी हो सकता है और शायद आपकी चैनल का लोगो भी हो सकता है। तो इस तरह से एक दूसरा अपडेट है। दूसरा एक कुछ ऐसा अपडेट है, वो कम्युनिटी पोस्ट के लिए अपडेट है कि वहाँ पर आप पहले कुछ फ़ोटो डाल सकते थे, यहाँ पर आप उससे भी ज़्यादा फ़ोटो डाल सकते हैं, तो इस तरह से 4-5 फ़ोटो आप डाल सकते हैं और उसके अंदर भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ अपडेट आने वाला है, तो ये भी बहुत अच्छा अपडेट है। उस youtube.com/podcast इस तरह का एक URL लॉन्च होने जा रहा है, और मनोज डे ने बोला है तो ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि मनोज डे बोलते हैं कि मैंने कहा था इसलिए यूट्यूब वालों ने ये अपडेट डाला है। तो पता नहीं वो क्या है, कुछ है, यहाँ पर वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं उसके अंदर आपको मज़ा आएगा, दो लोगों का वीडियो है वहाँ पर, एक मनोज डे का है और एक टेक चैम्पियन सपोर्ट का है, उन दोनों के बीच में ये सब चलता रहता है, और उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छा वीडियो है।
और ये कुछ अपडेट है। और दूसरा एक अपडेट ऐसा है कि आप जो शॉर्ट वीडियो देखते थे वो आप अपने मोबाइल के अंदर ही देख सकते थे, लेकिन अब से आप एंड्रॉयड टीवी के अंदर भी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, वो भी लॉन्च होने जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट थे आज के लिए, और इसी तरह के अपडेट आप अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।